ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट लेक्चर, इट मीन्स नाउ नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर नंबर 10. इन लास्ट लेक्चर वी जस्ट कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर्स. We have to study so many topics in this question, in these chapters. So let's start first chapter, first topic. First topic is find HCF by Euclid's algorithm method. Okay, now what is the Euclid's algorithm method? It's actually A is equals to BQ plus R. It means dividend equals to divisor into quotient plus remainder. अगेन आई रिपीट, इट्स अ डिविडेंड इक्वल्स टू, आइदर आप उसको कोशंट मल्टीप्लाई विथ डिवाइजर इनटू, सॉरी, प्लस रिमाइंडर, ऐसा भी बोल सकते हो. अगेन आई रिपीट, डिविडेंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोशंट क्यू ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स, दैट इज डिवाइजर, प्लस रिमाइंडर, दैट इज आर ऑफ एक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. उसके कोई क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रेंड्स हम. इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 135 एंड इट्स अ 225. ओके, वी हैव टू फाइंड द HCF बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखना है फ्रेंड्स, लाइक दैट इट्स अ 225 इज ग्रेटर देन 135. सो नाउ इट्स बिकम्स डिविडेंड एंड इट बिकम्स डिवाइजर. इट मीन्स वी विल डिवाइड 225 बाय 135. सो व्हाट, सपोज वी डू डिविजन लाइक दैट, 225 डिवाइड बाय 135. सो 135 वन जा 135, सो वी हैव रिमाइंडर, दैट इज 90. सो इट्स अ डिविडेंड, इट्स अ डिवाइजर, इट्स अ कोशंट एंड इट्स अ रिमाइंडर. ओके, सो नाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दैट, डिविडेंड दैट इज 225 इज इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज 135 इनटू कोशंट दैट इज 1 एंड प्लस रिमाइंडर दैट इज 90 इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, राइट नाउ 135 इज व्हाट, इट्स अ डिवाइजर एंड 225 इज व्हाट, इट्स अ डिविडेंड. ओके, सो नाउ इन अ नेक्स्ट स्टेप, 135 बिकम्स डिविडेंड एंड 90 विल बी डिवाइजर. ओके, सो वी विल डिवाइड 135 बाय 90. सो 90 वन जा इट्स अ 90, सो रिमाइंडर इज व्हाट, इट्स अ 45. अगेन इन अ नेक्स्ट स्टेप, 90 विल बी डिविडेंड एंड 45 विल बी डिवाइजर. सो 45 टू जा 90, सो प्लस रिमाइंडर इज 0. देयरफॉर, ओके, अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना है फ्रेंड्स. हियर नॉन जीरो रिमाइंडर, हियर लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज,
ओके, यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया है, लास्ट, बट नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, ऐसे लास्ट रिमाइंडर कौन सी है, इट्स अ 45. देयरफोर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45. सो दैट इज योर आंसर. इट्स अ HCF बाय यूक्लिड्स अल्गोरिदम मेथड. नाउ सेकंड क्वेश्चन, 196 एंड 38,220. सपोज हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है 196 एंड 38,220. ओके, सो सबसे पहले यहाँ कैसे लिखना है, हियर 38,220 इज ग्रेटर देन 196. सो नाउ वी विल डिवाइड 38,220 बाय 196. सो 196 वन जा, इट्स अ 196. सो हियर इज 10, इट्स अ 7, सो इट्स अ 6. हियर इज 10, इट्स अ 2, सो इट्स अ 8. एंड हियर इज 1. यहाँ से हम 2 ले लेंगे फ्रेंड्स. नाउ 196 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दोगे तो क्या होगा, इट्स अ 1960. सो इट्स अ ग्रेटर देन 1862. सो 196 मल्टीप्लाई बाई 9 6 जा, इट्स अ 54. सो हियर इज 5. 9 9 जा 81 प्लस 5, 81 प्लस 5 86, दैट इज 8. 9 1 जा 9 प्लस 8, इट्स अ 17. सो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 10. सो यहाँ 5, इट्स अ 8. 10 और यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 7. सो दैट इज 9. और यहाँ 0 0, यहाँ से क्या ले लेंगे, 0. 196 5 जा, इट विल बी 980. सो रिमाइंडर इज 0. ओके, सो नाउ वी कैन राइट दैट इन दिस फॉर्म, इट्स अ 38,220 इज इक्वल्स टू 196. इट्स अ डिवाइजर, मल्टीप्लाई विथ कोशंट, दैट इज 195. एंड रिमाइंडर इज वॉट, इट्स अ 0. ओके, यहाँ पहले स्टेप में ही हमें 0 मिल गया है. तो याद रखिए, जब हमें पहले ही स्टेप में 0 मिल रहा है तो जो डिवाइजर है वही HCF होगा. सो HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल्स टू 196. अगर ऐसा पहले ही स्टेप में हो रहा है तो हमें आंसर ऐसे मिलेगा फ्रेंड्स. सो इट इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, फाइंड द HCF बाय यूक्लिड्स अल्गोरिदम मेथड. नाउ सेकंड टॉपिक, फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अगेन आई रिपीट, फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आइदर इट्स अ ट्री मेथड, ट्री फैक्टर मेथड, दोनों सेम ही है फ्रेंड्स. मान लीजिए कि मैं ऐसे क्वेश्चंस दिए गए, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 60. फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 24 एंड 60. सो नाउ फर्स्ट 24 के हम प्राइम फैक्टर लेंगे फ्रेंड्स. अब कैसे लेंगे, सबसे पहले हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे. सो इट विल बी 2 into 12, जहाँ 2 इज अ प्राइम फैक्टर बट 12 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर. तो उसके आगे 2 फैक्टर्स लगे, 2 into 6. सो नाउ वी हैव 2 into 2 into 6. ओके, 2 इज 2 टाइम, नाउ 6 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, सो अगेन वी विल टेक अ फैक्टर, इज 2 into 3. सो इट मीन्स 2 इज 3 टाइम एंड 3 इज 1 टाइम. ओके, नाउ 60. ओके, मल्टीप्लीकेशन भी करके भी देखना है, इट्स अ 2 क्यूब इज वॉट, इट्स अ 8. 8 3 जा 24. नाउ वॉट, 60
60 के सबसे 60 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट बिकम्स 2 इंटू 30, 2 को साइड में भेज देंगे, अगेन 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 15, दूसरे वाले 2 को भी साइड में भेज देंगे, इट मीन्स नाउ वी हैव 2 टाइम्स 2, नाउ 15, इट्स अ 3 इंटू 5, सो इट विल बी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इज वॉट, इट्स अ 4, 4 थ्री जा 12, 12 फाइव जा 60, ओके नाउ इट्स अ प्राइम फैक्टर, नाउ इट्स HCF, HCF के लिए आपको रूल्स क्या याद रखना है, अभी हमें कितने नंबर्स के लिए HCF फाइंड करना है, 2, तो हम ऐसा बोलेंगे कि HCF क्या होगा, ऐसा नंबर जो दोनों में है, दोनों में है और जिसकी पावर लेस है, समझिए, अगेन आई रिपीट, दोनों में है ऐसा नंबर कौन सा है, 2, और उसमें लेस पावर कौन सी है, 2, सो इट्स अ 2 रेस टू 2, और दोनों में कौन सा नंबर है, इट्स अ 3, और उसमें लेस पावर कौन सी है, 1, सो दैट इज योर HCF, सो इट्स अ 2 स्क्वायर, दैट इज 3, 2 स्क्वायर इज 4, 4 थ्री जा 12, सो HCF इज वॉट, इट्स अ 12, नाउ LCM, गौर से समझिए, सबसे पहले क्या बोलना है, दोनों में है और हाईएस्ट पावर, दोनों में है और हाईएस्ट पावर, दोनों में कौन है, 2, और उसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, इट्स अ 3, और दोनों में कौन है, 3, और हाईएस्ट पावर इज 1, ओके सबसे पहले ऐसे बोलना है, दोनों में हो और हाईएस्ट पावर, ओके 2 हो, 2 आ गया, 3 आ गया, अब 2 और 3 नहीं देखना है, और अब क्या बचा, 5, किसी एक में हो और हाईएस्ट पावर, सो दैट इज 5, सो LCM इज वॉट, 2 क्यूब इज 8, 8 थ्री जा 24, 24 फाइव जा 120, सो दैट इज योर LCM, ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन, सपोज हमें ऐसा दिया गया है, इट्स 12, 48 एंड 120, इसका हमें HCF और LCM दोनों फाइंड करना है, सो हाउ कैन वी गेट इट, बाय प्राइम फैक्टर, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल 12, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सिक्स जा, उसमें 6 को अभी भी फैक्टराइज किया जा सकता है, 2 थ्री जा, सो इट्स अ 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 48 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 24, फिर 2 इंटू 12, फिर 2 इंटू 6, सो इट्स अ 2 इज 3 टाइम एंड इंटू 6, अगेन 2 इंटू 3, सो 2 इज 4 टाइम एंड 3 इज 1 टाइम, सो इट्स अ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट्स अ 16, 16 थ्री जा 48, और इट्स अ 120, सो इट्स अ, अगेन उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 इंटू 60, 60 को हमने ऐसे यहाँ लिखा ही है फ्रेंड्स, सो 2 इज 1 टाइम मोर, सो इट बिकम्स 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, नाउ HCF, HCF में क्या बोलेंगे, तीनों में हो और लोएस्ट पावर, ऐसा नंबर जो तीनों में हो और लोएस्ट पावर हो, ऐसा नंबर कौन सा है, इट्स अ 2 रेस टू 2, ओके और तीनों में हो और लोएस्ट पावर कौन सा है, 3 रेस टू 1, सो दैट इज योर HCF, इट्स अ 2 स्क्वायर 4 इंटू 3, दैट इज 12, नाउ LCM, व्हाट इज द LCM, सबसे पहले क्या बोलना है, तीनों में हो और हाईएस्ट पावर, तीनों में हो ऐसा नंबर कौन सा है, इट्स अ 2, और हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4, तीनों में हो और तीनों में हो ऐसा और दूसरा कौन सा नंबर है, इट्स अ 3, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, अब क्या बोलना है, किसी दो में हो ऐसा नंबर जो किसी दो नंबर में आ रहा हो और हाईएस्ट पावर हो, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, फिर किसी एक में हो ऐसा नंबर कौन सा है, इट्स अ 5, सो इट्स अ 2 रेस टू 4, दैट इज 16, और यहाँ 16 फाइव जा दैट इज 80, 80 इंटू 3 दैट इज 240, 16 फाइव जा 80, 80 इंटू 3 दैट इज 240, सो दैट इज योर LCM, सो दैट इज योर सेकंड टॉपिक, फाइंड द HCF बाय HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके थर्ड टॉपिक
check it, HCF of A comma B into LCM of A comma B is equals to A into B. Okay. आपको इसको चेक करने को भी कहा जा सकता है और इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स और कई सारी फॉर्मूला भी बन सकती है. मान लीजिए कि हमें HCF फाइंड करना है तो हम HCF को सब्जेक्ट बना लेंगे तो किसको सामने भेज देंगे? LCM को. सो इट विल बी A into B upon LCM of A comma B. LCM को सब्जेक्ट बनाना है तो A into B upon HCF of A comma B हो जाएगा. इस तरीके से आप कई सारे और भी क्वेश्चंस बना सकते हो. अब इसको कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स? सपोज मान लीजिए कि मैं ऐसा दिया गया है, चेक इट फोर, इट्स अ 436 एंड 81. ओके, वी हैव टू चेक इट, इट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर अगर हमें ये चेक करना है तो हमें दोनों के लिए क्या फाइंड करना होगा? इट्स एच सी एफ और इट्स एल सी एम. तो पहले हम एच सी एफ फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो 36 के टू पार्ट्स क्या होंगे? पहले 2 into 18 के और टू पार्ट्स होंगे 2 into 9 और 9 के टू पार्ट्स होंगे 3 raised to 2. सो इट्स अ 2 whole square into 3 whole square. आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो. इट्स अ 9 and 4, दैट इज 36. नाउ 81, सो इट विल बी व्हाट? 3 इज हाउ मेनी टाइम? 3 into 3, 9, 27. इट्स 81. सो इट्स अ 3 raised to 4. ओके, नाउ व्हाट? HCF फर्स्ट. HCF के लिए क्या बोलेंगे? दोनों में हो और लोएस्ट पावर. ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है और लोएस्ट पावर है? इट्स अ 3 raised to 2. ओके, एलसीएम में क्या हो बोलेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? दोनों में हो और हाईएस्ट पावर. दोनों में हो और ऐसा कौन सा नंबर है? 3. और हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 raised to 4. और क्या बोलेंगे? किसी एक में हो और हाईएस्ट पावर. सो इट्स अ 2 raised to 2. सो इट्स अ 81 into 4. So that is 4 ones are 4, 8 fours are 32. So that is your LCM. Okay, now we have to check it. It's a 9. HCF is 9. So let A equals to 36 and B equals to 81. So HCF of A comma B into LCM of A comma B is equals to HCF of 36, 81 into LCM of 36, 81 is equals to HCF क्या है? It's a 9. और LCM क्या है? It's a 324. So 9 fours are 36. Here is 3. 9 twos are 18 plus 3, 21. यहाँ 2. 9 threes are 27 plus 2, that is 29 is the first result. Now A into B, here A is what? It's a 36 and B is what? It's a 81. अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे फ्रेंड्स तो 81 into 36, 0, 3, 24, 6, 48, so it's a 6, 11, 9, 2, so it's a 2, 9, 1, 6 is the second result. Now from the first and second result, we can say that HCF of A comma B into LCM of A comma B is equals to A into B. आप ऐसा भी लिख सकते हो, hence prove that. So हमने अभी 3 टॉपिक देखे फ्रेंड्स और इसके साथ एक चीज और बता दूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है. आपको किसी ना किसी जगह एमसीक्यू या फिर ट्रू और फॉल्स में ये दिया जा सकता है. ऑलवेज आपको ये याद रखना है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज अ फैक्टर ऑफ
एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, जो एचसीएफ होगा ना ए कॉमा बी का, वो एलसीएम जो है उसका फैक्टर होगा, होगा और होगा ही फ्रेंड्स। ओके ओके फ्रेंड्स, हमने तीन टॉपिक कंप्लीट किए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक क्वेश्चन आपको याद होगा फ्रेंड्स, ऐसा भी कोई हमने एक क्वेश्चन आगे पढ़ा है पहले। इट्स अ प्रूव दैट रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है फ्रेंड्स। ओके, हमें मालूम है इसके लिए हमने कौन सी मेथड यूज की थी। इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसका मतलब है सबसे पहले हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। सो लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। ओके, नाउ वी नो दैट एवरी रेशनल नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इट इन अ फॉर्म ऑफ ए बाई बी, एंड इफ रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर सो वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट बाई ए बाई बी। सो वी कैन राइट लाइक दिस, देयरफॉर रूट थ्री इक्वल्स टू, इट्स अ ए बाई बी, वेयर एक और कंडीशन है, एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू वन। ओके, ऑलवेज ए और बी ऐसे ही नंबर हो गए जिसका एच सी एफ वन होगा फ्रेंड्स। नाउ वॉट, ओके, अब हम ए को सब्जेक्ट बनाएंगे, बी इज इन अ डिविजन, इट विल बी इन अ मल्टीप्लीकेशन। सो ए इज इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू बी, ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट थ्री इंटू बी। नाउ स्क्वेरिंग बोथ साइड, सो इट्स ए स्क्वेयर इक्वल्स टू थ्री बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू थ्री बी स्क्वेयर। अब यहाँ से समझने वाली चीज है फ्रेंड्स। ओके, पहले वाले ऑनलाइन लेक्चर्स में भी मैंने इसको काफ़ी स्लो समझाया था, इसलिए फिर से समझिए। बी स्क्वेयर कैन बी एनी वैल्यू, बी स्क्वेयर कैन बी एनी नंबर, इट्स मल्टीप्लाई विथ थ्री, इट मीन्स थ्री इज अ फैक्टर ऑफ थ्री बी स्क्वेयर। अगेन आई रिपीट, बी स्क्वेयर कैन बी एनी वैल्यू, इट्स मल्टीप्लाई विथ थ्री, सो इट मीन्स थ्री बी स्क्वेयर, थ्री इज अ फैक्टर ऑफ थ्री बी स्क्वेयर। बट थ्री बी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर आर इक्वल, दोनों इक्वल है फ्रेंड्स। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ थ्री इज अ फैक्टर ऑफ थ्री बी स्क्वेयर, इट मीन्स थ्री इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए स्क्वेयर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वेयर। नाउ इफ थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वेयर, इट मीन्स थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए, इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आगे सोचिए, थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए मीन्स वॉट, ए ऐसी ही वैल्यू होगी जिसमें थ्री है, इट मीन्स इट्स अ थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन, ए ऐसा ही नंबर होगा फ्रेंड्स। अब जब ए ऐसा नंबर होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नाउ ए इज इक्वल्स टू थ्री के, सोचिए ए इज अ थ्री के। ओके, नाउ दिस वैल्यू पुट डाउन इन दिस ए स्क्वायर, सो इट्स अ थ्री के होल स्क्वायर, इट विल बी नाइन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री बी स्क्वायर। Now 3 is in multiplication, it will be in division, so it will be b square equals to, it's a 3k square. Now same जैसे मैंने यहाँ बताया था, k square can be any value, it's multiplied with 3, it means 3 is a factor of 3k square, and b square and 3k square they are equal, so if 3 is a factor of 3k square, then 3 is also a factor of b square. ओके, एंड ऑल्सो थ्री इज अ फैक्टर ऑफ बी। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट, फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट, ओके,
We can say that HCF of A comma B. HCF means what? Common. दोनों में से common क्या निकलेगा? It's a 3. But HCF of A comma B is equals to 1. So our assumption is wrong. Okay, so root 3 is not a rational number and therefore root 3 is a irrational number. Our assumption is wrong. Why? हमने यहाँ क्या assume किया था? HCF of A comma B is equals to क्या होना चाहिए? 1. लेकिन हमें HCF of A comma B क्या मिला? 3. So our assumption is wrong. Which is the assumption? Root 3 is a rational number. It's not a rational number. So root 3 is a irrational number. तो इसको हम ऐसा भी prove कर सकते हैं, friends. Now second question. Okay. अब आपको ऐसे कोई number दिया जा सकता है. सेकंड वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट टू रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर. प्रूव दैट रूट टू रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर. ओके, अब दोनों में डिफरेंस समझिए फ्रेंड्स. यहां हमें ओनली रूट थ्री दिया है. अब क्या होगा? किसी इरेशनल नंबर के साथ हमें और कोई नंबर दिया होगा जो उसके साथ किसी भी रिलेशन में हो सकता है. इट कैन बी एडिशन, इट कैन बी मल्टीप्लीकेशन, इट कैन बी डिवीजन. तो उसके लिए थोड़ी सी अलग मेथड है. उसमें क्या करना है वो देख लीजिए. सो लेट 2 root 3 is a rational number. 2 root 3 is a rational number. Again, हमें यहाँ करना तो वही है. Contradiction method. Okay. Therefore, 2 root 3 is equals to A by B. Okay. यहाँ ऐसा भी लिखना है where A and B are integers, either positive integers. A and B are integers. Okay, अब आपको क्या करना है? किसी एक साइड, either left hand side, either right hand side, किसी एक irrational number को ही रखना है. उसके अलावा जितने भी numbers है, उसको सामने भेज देने हैं. So now 2 is in multiplication, it will be in a division. So root 3 is equals to क्या हो जाएगा? It's a by 2b. So now a, b and 2 all are integers. So a by 2b is a rational number. Therefore, root 3 is a rational number. But we know that root 3 is not a rational number. And therefore, if root 3 is not a rational number, it means a by 2b is also not a rational number. If it's not a rational number, therefore 2 root 3 is also not a rational number. Therefore 2 root 3 is a irrational number. Okay, इस क्वेश्चन को कैसे किया आपने? आपको समझ में आ गया होगा. एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसी टाइप का. थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया गया है कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर.
ओके सेम है, यहां मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में था, यहां एडिशन के रिलेशन में है फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है, अगेन सेम थिंग, सभी चीज, लेट 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, ओके, देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ओके। अब मैंने क्या बताया था, किसी एक साइड आपको इरेशनल नंबर लिखना है, ओके, सो रूट 3 को यहीं रखेंगे, 2 को सामने भेज देंगे, सो इट विल बी रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बाय बी माइनस 2, देयरफॉर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए माइनस 2 बी बाय बी, ओके, हियर ए बी एंड 2 आर इंटीजर्स, therefore a minus 2b by b is a rational number, it's a rational number, therefore if a minus 2b by b is a rational number, therefore root 3 is a rational number, but we know that root 3 is a irrational number, root 3 is a irrational number, and therefore 2 plus root 3 is a irrational number, तो आपने देखे कि ऐसे हमने तीन क्वेश्चन किए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रूव दैट फ्रेंड्स, ओके ओके फ्रेंड्स, हमने कई सारे टॉपिक इस चैप्टर में रिवीजन किए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, उसमें कुछ ऐसा दिया गया है, गिवन रेशनल नंबर, शॉर्ट में मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, गिवन रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट, इफ यस, इफ इट हैव, देन फाइंड एंड देन कन्वर्ट इट इन अ डेसिमल फॉर्म, ओके, वो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आपको ये समझना है। अगेन आई रिपीट, पहले तो मैं ये बताना है, गिवन रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट, टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स व्हाट, डिजिट आफ्टर डेसिमल आर काउंटेबल और नॉट, काउंटेबल और इट्स इनफाइनाइट, लेकिन वो आपको विदाउट डिविजन बताना है फ्रेंड्स, डिविजन करना नहीं है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए दो कंडीशन है फ्रेंड्स, गिवन रेशनल नंबर इट मींस आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होगा, इट्स अ पी बाय क्यू फ्रेंड्स, सो नाउ देयर आर टू कंडीशंस, फर्स्ट इज एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू क्या होना चाहिए, 1, उसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों में कुछ कट हो रहा है तो आपको पहले वो कट करना है, उसके बाद ही आगे सोचना है, एंड द सेकंड कंडीशन इज व्हाट, यू कैन रिप्रेजेंट क्यू इन अ फॉर्म ऑफ 2^m इंटू 5^n, अगेन आई रिपीट, वी कैन रिप्रेजेंट क्यू इन अ फॉर्म ऑफ 2^m इंटू 5^n, वेयर m एंड n कैन बी 0 और फ्रॉम द नेचुरल नंबर, इट मीन्स वॉट, q जो है उसमें आइदर ओनली 2 हो सकता है, इट कैन नॉट बी 5 इन अ q, आइदर 5 हो सकता है, इट कैन नॉट बी 2 इन अ q,
और दोनों हो सकता है, टू एंड फाइव बोथ, ऐसा भी हो सकता है. ओके, इफ बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन गिवन रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. लेट्स चेक इट सम एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज हमें ऐसा दिया गया है, इट्स वन टू थ्री बाय थ्री वन टू फाइव. ओके, इट्स अ जस्ट एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी नंबर, वन टू थ्री बाय थ्री वन टू फाइव. इट्स इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, राइट नाउ इट्स इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. विदाउट लॉन्ग डिविजन मेथड हमें ये बताना है कि इट्स एक्सपेंशन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट. ओके, नाउ हाउ कैन वी प्रूव दैट बाय दिस टू कंडीशंस. लेट्स इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू. ओके, सबसे पहले तो ये देखना है कि डिविजन पॉसिबल है दोनों में. नो, इट्स अ डिविजिबल बाई थ्री, बट इट्स नॉट अ डिविजिबल बाई थ्री. ओके, तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन इज एच सी एफ ऑफ वन टू थ्री कॉमा थ्री वन टू फाइव इज इक्वल्स टू वॉट, इट्स अ वन. सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. नाउ सेकंड कंडीशन, क्यू इज वॉट 3, 1, 2, 5, एंड वी कैन रिप्रेजेंट देम लाइक दैट. 5 5s are 25, इट्स अ मल्टीप्लाई बाय 5, 1, 2, 5, इट्स अ 6, 2, 5, मल्टीप्लाई बाय 5, इट्स अ 3, 1, 2, 5. सो इट्स अ 5 is 5 time. ओके, सो मैंने पहले ही बताया था उसमें ओनली 5 हो सकता है. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर क्यू में 2 और 5 के अलावा और कोई भी फैक्टर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है. ओके, सिर्फ 2 होगा तो चलेगा, सिर्फ 5 होगा तब भी चलेगा, दोनों होंगे तब भी चलेंगे. सो देयरफॉर, सो 123 अपॉन 3125 हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन अ डेसिमल फॉर्म. सो नाउ इट्स अ 123 बाय 3125 इज इक्वल्स टू, इट्स अ 123 बाय 5 raised to 5. ओके, अब सिर्फ आपको ये याद रखना है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 नंबर ऑफ टाइम सेम होना चाहिए. राइट नाउ 5 इज हाउ मेनी टाइम, इट्स अ 5 time. सो 2 भी कितने टाइम होना चाहिए, 5 time होना चाहिए. सो वी विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 2 raised to 5. सो न्यूमरेटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2 raised to 5. सो इट्स अ 123 बाय 5 raised to 5 इंटू 2 raised to 5 मीन्स इट्स अ 32. सो इट्स अ 32 बाय 2 raised to 5. नाउ प्रोडक्ट ऑफ बोथ कर देंगे, इट्स अ 123 मल्टीप्लाई बाय 32, इट्स अ 0, 9, 6, 3, इट्स अ 6, 4, 2. सो इट्स अ 6, 13, 9 और 3, इट्स अ 3, 9, 3, 6. बाय क्या हो जाएगा, 2 raised to 5 इंटू 5 raised to 5. अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको गौर से समझिए. अगर 2 इज 1 टाइम एंड 5 इज 1 टाइम, इट मीन्स 10 इज 1 टाइम. इफ 2 इज 2 टाइम, 5 इज 2 टाइम, देन 10 इज 2 टाइम. 2 इज 3 टाइम, 5 इज 3 टाइम, देन 10 इज 3 टाइम. राइट नाउ 2 इज 5 टाइम, 5 इज 5 टाइम, सो 10 इज 5 टाइम. सो इट्स अ 10,000. 10 इंटू 10 इंटू 10 हाउ मेनी टाइम्स करेंगे, इट्स अ 5 टाइम. सो इट्स अ सॉरी, इट्स अ 1 lakh. It's a 1 lakh. So it means what? Now after how many digits we have to do decimal? 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Fifth decimal is not given, so it's a 0.03926. So it is the decimal form. एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स. ऐसा हम मान लीजिए कि हमें ऐसा दिया गया है, इट्स अ 23 by 8. ओके, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट, वो पहले हमें देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ
equals to P by Q. Okay. So now what? First condition is what? HCF of 23,8 is equals to 1. दोनों में कुछ कट हो नहीं रहा है. Now what? Q is equals to 8 or 8 is we can represent it in a 2 raised to 3. So now it's a form of 2 raised to m into 5 raised to n. So it's a terminating decimal. So 23/8 is have terminating decimal expansion. Okay, so now 23/8 equals to 23/2^3. So मैंने पहले यहां भी बताया था आपको, नंबर ऑफ टाइम्स 2 एंड नंबर ऑफ टाइम्स 5 दे मस्ट बी इक्वल. तो यहां 5 3 टाइम्स होना चाहिए. सो इट्स अ 5^3, इट्स अ 5^3. सो इट्स अ 23/2^3 इनटू इट्स अ 125/5^3. नाउ 125 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? इट्स अ 23. सो इट्स अ 0, अगेन 0, इट्स अ 5, इट्स अ 2. यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 375. सो 5782. ओके, इट्स अ 2875. ओके, अगेन आई रिपीट, 2 इज 3 टाइम, 5 इज 3 टाइम, सो 10 इज 3 टाइम. सो इट्स अ 1000. सो आफ्टर 3 डिजिट देर इज अ पॉइंट, सो इट्स अ 2.875. सो इट्स अ डेसिमल फॉर्म ऑफ दैट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा भी दिया है, सपोज इट्स अ 6/15. अब अगर आप पहले डायरेक्ट इस क्यू को देखेंगे तो उसके फैक्टर क्या होंगे? इट्स अ 3 × 5. अब हम जानते हैं कि क्यू में सिर्फ कौन होना चाहिए? 2 और 5 ही होने चाहिए. 2 और 5 के अलावा अगर कोई फैक्टर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है. लेकिन एक्चुअली उसके पहले भी आपको फर्स्ट वाली कंडीशन देखनी है, दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1. उसका मतलब क्या है? अगर वो कट हो रहा है तो आपको कट करना है फ्रेंड्स. तो यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 3 2s और 3 5s. अब इसको आपको पी बाई क्यू के साथ कंपेयर करना है. सो नाउ एच सी एफ ऑफ 2,5 इज इक्वल्स टू 1 एंड क्यू इज इक्वल्स टू वॉट? 5 इज इक्वल्स टू 2^0 इंटू 5^1. ओके, नाउ 6/15 इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू, पहले भी बताया था नंबर ऑफ टाइम 2 एंड नंबर ऑफ टाइम 5 दे मस्ट बी इक्वल. सो दैट इज 4/10. सो इट्स अ 0.4. दैट इज योर आंसर. एक लास्ट टॉपिक बाकी है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं यहाँ क्विक वो समझा देता हूँ. आपको मालूम है हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए फ्रेंड्स, गिवन नंबर आर अ रेशनल नंबर और नॉट, एंड इफ दे आर रेशनल नंबर देन कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. इट्स वेरी सिंपल. 8th-9th में भी आप पढ़ चुके हो, इसलिए कुछ ज्यादा इसमें नहीं करवा रहा मैं. सपोज आपको ऐसे दिया गया है 0.6 bar, इट मीन्स वॉट? इट्स अ 0.666 अप टू इन्फिनिटी. सो इट्स अ रेशनल नंबर. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गोज टू इन्फाइनाइट एंड नंबर्स आर रिपीटेड, सो इट्स अ रेशनल नंबर. सबसे पहले तो हमको ऐसा लिखना है, इट्स अ रेशनल नंबर. ओके, नाउ इफ इट इज अ रेशनल नंबर देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. सो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट? लेट एक्स इक्वल्स टू 0.666 अप टू इन्फिनिटी. इट्स द फर्स्ट रिजल्ट. अब इस डेसिमल को हमें यहाँ से निकाल के यहाँ लाना है ताकि इसके डिजिट आफ्टर जो पॉइंट है वो और जो नया नंबर मिलेगा उसके डिजिट आफ्टर जो पॉइंट है वो दोनों सेम हो जाए. तो उसके लिए क्या करेंगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10. सो इट्स अ 6.666 अप टू इन्फिनिटी. इट्स अ सेकंड रिजल्ट. नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम
फर्स्ट, ये आप सब जानते हो, इट्स अ 10x इक्वल्स टू 6.666 अप टू इन्फिनिटिव, सो x इक्वल्स टू 0.666 अप टू इन्फिनिटिव, सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, सो इट बिकम्स 9x इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6/9 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू इट्स अ 2/3। ऐसे आपको और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। और एक चीज बता दो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हमने कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि अगर उसमें मैक्सिमम वर्ड यूज किया है तो हमें HCF फाइंड करना है, और अगर मिनिमम वर्ड यूज किया है तो हमें LCM फाइंड करना है। आपको याद होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन दिए थे टेक्स्ट बुक में जिसमें हमें काजू बर्फी, बादाम बर्फी, उसके स्टैक बनाने थे। ऐसा कोई स्टेक वाला क्वेश्चन है तो हमें क्या फाइंड करना है? HCF। और मैंने वो भी बताया था कि अगर टू कार है, टू ट्रेन है, टू बस है, टू पर्सन है और टू वॉचिस है तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और ऐसे दो तीन क्वेश्चन और भी है, वो आपको अपने आप करने हैं। ज़्यादातर सभी टॉपिक का मैंने यहाँ रिविज़न करवा दिया है फ्रेंड्स, ओके।